रिकॉर्डिंग तो वेलकम बैक। अभी अभी यूनिट 5 खत्म हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करके यूनिट नंबर 6 आपका होमवर्क सुनने के बाद स्टार्ट किया। तो यूनिट 6 का क्या नाम है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले बहुत सारी बातें करेंगे, शब्दों से रूबरू करवाऊंगा। ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनके बारे में हम समझते हैं, बस यही है दो। मतलब अगली मैक्सिमम 3 लेक्चर हैं जहां आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद कहां पहुंचोगे? सीधा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया ना, आपकी स्पीड बन जाएगी। फिर सोगा में आपके लगेंगे 7-8 लेक्चर, 6-7 लगेंगे पार्टनरशिप में, 4 दूंगा मैं कंपनीज एक्ट के, 2-3.5 दूंगा LLP के, 3 और कुछ 5-6 लेक्चर नेगोशिएबल। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी यहाँ से हमारे कितने लेक्चर बचे हैं? कुछ 32-33 लेक्चर अभी और लगेंगे। ठीक है, कम तो नहीं है? बहुत ज़्यादा है, कम है? ठीक है, तो स्टार्ट करें। होमवर्क सबको पता है, कंसीडरेशन पूरा का पूरा यूनिट, और अंदर से इस बार ना मेन हेडिंग्स नहीं पूछूंगा, अंदर से पूछूंगा, क्योंकि हेडिंग बंद बच्चे रट के आए तो सर ये मस्ट नॉट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ये वो है ना, अंदर का भी पूछूंगा सब कुछ। तो तैयार रहना अगली क्लास में होमवर्क के लिए। ऑल वेल, तो लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर को शुरू करेंगे 2-4-5 मिनट बाद। पहले समझ लेते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या आपने कभी सुना है कंटिंजेंट वर्ड का मतलब? कुछ नए बच्चे यहाँ पर ऐसे जो पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग बताएं कंटिंजेंट। बस मैं देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ कंटिंजेंट वर्ड का मतलब पूछ रहा हूँ। यस बेटे, कंटिंजेंट, यस खुश। यस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और भाई बता, ये तो पढ़ा वाला सीन है, एक्सप्लेन कर। जैसे नॉर्मल आम जिंदगी में हम किसी से बात करते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो पॉसिबल परफॉर्म। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। क्या आपने कभी अकाउंट्स में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कंटिंजेंट लायबिलिटी? आपके सर ने वहां पर आपको बताया होगा कि ये क्या होता है? सर बताया तो था लेकिन हम कहीं और थे। बताया होगा पक्का, ऐसा टीचर बताता है, अच्छा टीचर होगा तो वो हर वर्ड बताता है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, वहां एक शब्द था, मैं पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी बताता हूँ, फिर कंटिंजेंट वर्ड समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मेरे ऊपर केस फाइल हो चुका है, किसी मिस्टर गगन ने, कस्टमर है मेरा, उसने मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया, तो मेरे हारने के भी चांसेस है और हो सकता है मैं जीत जाऊं, हो सकता है मैं, और हार गया तो कोर्ट मेरे ऊपर पेनल्टी लगाएगा 1 करोड़ रुपए की वाली, तो वो मेरी भविष्य की लायबिलिटी बन सकती है। लेकिन पक्का है वो लायबिलिटी? हो भी सकती है और तो कंटिंजेंट लायबिलिटी वो वहां पर हमने पढ़ा था हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ये कंटिंजेंट वर्ड का मतलब ये होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के किसी अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? और ये वैलिड होते हैं, बिल्कुल वैलिड होते हैं। पहले एग्जांपल दूंगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं किसी के फादर पे कार है, गाड़ी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फादर पे गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? पता नहीं कौन सी। तो इजी सी बता ना, अर्टिगा। अर्टिगा बड़ी अच्छी गाड़ी है, और तेरी वाली भी अच्छी है। काम का ही बुरा बन गया। ठीक है, तो अर्टिगा गाड़ी आपके फादर ने ली होगी, आप जाके आज जरूर पूछना, या शायद आपको पता होगा आपकी गाड़ी का ना कार का इंश्योरेंस होगा,
अरे इंडिया में ह्यूमन इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, गाड़ी का होना चाहिए। इंसानों की औकात ही नहीं है, 142 करोड़ ऐसी हो गए। इंसानों को कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं कैसे हो गए। और गाड़ियों का इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, मतलब इंसान मर जाए कोई दुख नहीं है, चार ही बार चिल्लाना उसकी छाती पे हाथ मारते हैं मेरा दादा मर गया। जैसी डेड बॉडी गई उसके बाद चाय बनाना। ये हमारे यहाँ यही सिस्टम होता, होता ही नहीं होता। जैसे 13 दिन तक पूछेंगे आपको, उसके बाद फिर कॉमेडी सीन कपिल शर्मा शो देख रहे होंगे घर में आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे, इससे ज्यादा इज्जत नहीं है। एक इंसान की गाड़ी वाड़ी ठुक जाए वो 8 साल बाद भी याद रखता है। मेरी भी ठुकी है गाड़ी, मैं बताऊंगा किस्सा, बड़ा मजेदार है। पहले ये टॉपिक बता दूं तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपके फादर ने जब गाड़ी खरीदी तो कंपलसरी है कि इंश्योरेंस लेना है, ये गवर्नमेंट का रूल है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इड्डा ने कानून बना रखा है दैट इफ यू आर बाइंग द कार देन यू हैव टू टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम एनी कंपनी, कहीं से भी ले सकते हो। अब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो आप दोगे क्या इंश्योरेंस कंपनी को? प्रीमियम। और इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम के बदले, अगर दो शब्द आए, अगर आपकी गाड़ी साल भर में कहीं ठुक ठुका जाती है, कोई स्क्रैच मार देता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर माइनर कैसा भी, तो वो आपकी गाड़ी को ठीक करवा के देगा। यही होता है ना, नहीं ठुकी तो नहीं, नहीं। कोई जानबूझ के तो मारता नहीं होगा दीवार में गाड़ी, भाई इंश्योरेंस करवाया है किसी, कोई इतना बहुत ही माइनर 0.1% पगले होते हैं वे काम करते हैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए, अदरवाइज कोई आम इंसान नहीं करता। इतना टाइम नहीं है किसी के पास, किसी पर टाइम नहीं है इतना, सब अपना कमाने खाने में लगे पड़े। तो जिसके पास भी गाड़ी है उन्होंने कार इंश्योरेंस लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी और जो कार वाला है, कार का जो ओनर है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने बोला अगर तुम्हारी गाड़ी ठुक गई तो मैं उस गाड़ी का जो है वो ठीक करवाऊंगा। तो ठुकेगी तब ना, मतलब क्लेम मुझे कब मिलेगा? जब एक्सीडेंट होगा, हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, आया समझ में? तो बहुत सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंश्योरेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई शिप आ रहा है, शिप, ठीक है, शिप पानी का जहाज। और उससे पहले मैं गाड़ी के बारे में बता रहा था ना, मुझे याद आ गया, मैंने बहुत साल पहले एक गाड़ी खरीदी थी, 14 में खरीद ली थी शायद मैं, हाँ मेरी उम्र थी 22 की थी जब मैंने अपने पैसों से गाड़ी खरीदी थी, 22 की उम्र में गाड़ी ली थी, वैगन आर टॉप मॉडल ग्रे कलर की, VXI, ठीक है, और वो डब्बा से नहीं, जब जाओ तो देख रहे हो डब्बा से चल रहा होता है, वही वाली वो गाड़ी मैंने खरीदी। तो अब खरीद तो नहीं, चलानी आती थी, बहुत अच्छी नहीं आती थी, मतलब आड़ी टेढ़ी चलाई देती थी। तो खरीदी तो अब क्या हुआ, मन में डर हो जाता है कि नहीं नहीं शोरूम से आई है, कहीं ठुक ठुका ना जाए। तो शोरूम से गाड़ी वो मुझे डिलीवर कर रहे थे, लेकिन मेरे पास ड्राइवर नहीं था। तो मेरा एक दोस्त है फरीदाबाद में रहता है, KC नाम है उसका, उस KC को मैंने फोन किया, मैंने भाई गाड़ी ले ली, आया वो, आया था पार्टी के लालच में साला। वो बहुत अच्छा दोस्त है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो वो आया तो उसने गाड़ी हमने निकाली, वही जाना होता है मंदिर वंदिर जाना होता है, मम्मी को फोन किया, मम्मी बाहर आयो थाली वाली लेके, मम्मी को ये नहीं पता मैं गाड़ी नहीं खा रहा हूँ, बाहर आया तो देखा तो गाड़ी मम्मी ने गाली, ये क्या बात है, पूजा वूजा करवाई ले गए गाड़ी। उसने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया उस दिन फरीदाबाद में, सीख लिया वो खाली रोड पर चला ही लेता आदमी, सीख लिया मैंने। मैंने कहा देख अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, अभी तू तो अपने घर पे खड़ी करके कल एक बार और सीखेंगे फिर मैं ले जाऊँगा, ठीक है। अब नई गाड़ी होती ना बंदे में चुल होती है, सुबह सुबह मेरे अंदर भी हो गया, मैं कहा कल क्यों आज ही लेके जाऊंगा। मैंने उसको फोन किया कहाँ है, कह रहा है कि मैं तो ऑफिस आ गया, मैं गाड़ी की चाबी क्या कहता वो घर पे रखी, मैं कहा ठीक है। मैं यहाँ से फरीदाबाद पहुँच गया, गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी निकाली और
गाड़ी बैक लेनी थी मुझे, तो पीछे ना वो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी आ गई। बहुत ही बेकार दिन था। कुत्ते नहीं पकड़ते, वो जाली जाली लगी होती चारों तरफ एमसीडी की, वो एमसीएफ की थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद, उनकी गाड़ी खड़ी थी पीछे। तो अब मैं बैक कर रहा हूँ एक साइड, तो मैं देख नई गाड़ी जिसको अभी मतलब मम्मी को अंदर बैठाया भी नहीं था, बाहर से पूजा करके भेज दिया, अभी इतनी नई गाड़ी। अब मैं इधर से बैक करूँ तो पीछे पीछे करूँ, उस साइड कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी और उसके अंदर 6-8 कुत्ते और लगी उसमें धड़, बड़ी तेज आवाज आई, मैं ये क्या हुआ, फील आया कि अपने साथ ही कुछ हुआ। अब वही 6-8 कुत्ते लगे भोगने और बिल्कुल उनका गेट खुल गया, कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी का गेट खुल गया और वो 6 के 6 कुत्ते भाग गए। वो बहुत मुश्किल से पकड़ा था मैं उनको, पागल कुत्ते थे भाई वो। तो मैं क्योंकि भागते हैं तो इमीडिएटली जिसने बचाया उसको नहीं काटते हो, ये हर कुत्ते का रसूल होता है, तुम अपने आप को देखना कभी, ठीक है। तो क्या हुआ, वो सारे 6 के 6 कुत्ते तो भाग लिए वहां से। अब भाग लिए तो आगे वो बैठा हुआ एमसीएफ का ड्राइवर बीड़ी फूक रहा था, लंबा था बिल्कुल, छोटा सा हरियाणा वाला, उतर गया, क्या हो गया, तो पता नहीं कौन है सारा। मार मुड़ के गाड़ी छोड़ के चला गया। मैंने बहुत मारेगा। गाड़ी वाड़ी जा भाड़े में पहले। अब उस जब वो थोड़ा शांत हुआ तो मैंने उसको बातों बातों में फिर मैंने बोला नौकरी जाएगी अब। तो वो कुत्ते भाग गए, मैंने तो रिपोर्ट रिपोर्ट दे दी कि 6 कुत्ते पकड़ ली। मैं चलो मैं साथ में चलता। वो भाई साहब मेरी नई गाड़ी पीछे से जो था उसका अलग ही सीन था, मैंने फोटो ली थी उसकी घर पे रखी हुई थी, वो फोटो बिल्कुल नई गाड़ी, उसकी पिन्निया जो नहीं होती वाली थी वो भी नहीं उतरी हुई है वाइपर से, और नई गाड़ी पीछे देखे हमारी शीशा वीशा सब छूटा हुआ। फिर उसको नेक्स्ट डे कंपनी में ले गया, 44,000 का बिल आया बट इंश्योरेंस था, फाइल चार्ज लगे कुछ 2,000-2,500 कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट था तभी तो उन्होंने मेरा क्लेम लिया, वरना नई गाड़ी सोचो उसमें भी 40-50 हज़ार किसी से लिए ही थे मैंने गाड़ी खरीदने के लिए, ऊपर से 40-44 हज़ार बाइक गाड़ी में लगा दिया, बर्बाद नहीं हो जाएगा आदमी, आ गया समझ में। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्जांपल के तहत, पहले मीनिंग बताऊंगा फिर एग्जांपल। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट Which depends upon, ये वो contract होते हैं जो depend होते हैं upon happening or non-happening of some future uncertainty. वो सीन आ गया अभी दिमाग में, जो कुत्ते भागे थे ना मेरे सामने, मेरे को अपना दोस्त वही लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था उन कुत्तों को देख के। चलो दोबारा देखते हैं, contingent contract means the contract which depends upon happening or non-happening of some future uncertain event. मतलब इस contingent contract में दो situation based contract बन सकते हैं, या तो किसी चीज के होने पर happening, या किसी चीज के। अब एक example दूंगा, पूरा contingent contract समाप्त हो जाएगा। मान लो एक ship आ रहा है दुबई से मुंबई, ठीक है, वो शिप दुबई से मुंबई आ रहा है, शिप के अंदर 100 साइकिल्स रखी हुई है, मेरी मेरी कंपनी की 100 साइकिल्स आ रही है दुबई से। तो मेरा कोई बंदा आया मुझसे पैसे मांगने, 20,000 रुपए कह रहा, 20,000 दे दे। मैं कहा देख दुबई से शिप आ रहा है, अगर वो 20 तारीख तक पहुंच गया तो 20,000 तुझे दे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो बताओ मेरे और उस बंदे के बीच में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं? Yes. अगर वो शिप आया 20 तारीख तक, मतलब हैपनिंग, वो शिप आया मींस हैपनिंग, अगर मैं बोलता शिप नहीं आया तो क्या होता? अगर वो शिप आ गया 20 तारीख तक तो तुम उससे पैसे ले लियो। अब तीन सिचुएशन बोल रहा हूँ, आंसर देना। शिप आ गया 20 तारीख तक, दूंगा ना, कॉन्ट्रैक्ट किया। शिप रास्ते में डूब गया, नहीं। शिप 21 को आया,
क्योंकि मैंने 20 गवाया। ऑल वेल, ये तो हैपनिंग का हो गया। अब नॉन हैपनिंग सुनो, मान लो ऐसी सिचुएशन है, वही बंदा पैसे ले मेरे से मांगने आया, मैंने कहा देख अगर शिप 20 तक नहीं आया तो मेरे से पैसे ले लियो, कोई भी रीजन हो सकता है, मेरा मूड, मैंने बोल दिया 20 तक नहीं आया तो ले लियो। उसने कहा ठीक, ये नॉन हैपनिंग है। अच्छा शिप का आना या ना आना कंटिन्यूड है या नहीं है? है भाई, तूफान आते समंदर में मजाक है, समुद्र किनारे खड़े हो जाओ, दो चार लहरें आ जाएगी तो भागता फिरेगा बंदा, इतना डर होता है। तो ये नॉट हैपनिंग वाला था। अब फिर से तीन सिचुएशन, अब मान लो शिप जो है वो 22 तारीख को आया, दूंगा क्योंकि 20 को नहीं आया, नॉट हैपनिंग हुआ। शिप रास्ते में डूब गया तो भी दूंगा क्योंकि आएगा ही नहीं 20 को, और शिप आ गया 19 को तो नहीं दूंगा। आ गया समझ? ये पूरा कंटिन्जेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको ओरली समझा दिया। ऑल वेल, पहले लिखे या बुक से? पहले लिख लेते हैं, पहले लिख के फिर बुक पे जाते हैं, सही है? यूनिट 6 कंटिन्जेंट क्वाज़ी। चलो मेरे प्यारो फटाफट से लिखो, लिखो यूनिट का नाम, यूनिट 6 क्या नाम है? कंटिंजेंट एंड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग सबसे पहला करेंगे कौन सा? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। नंबर 1 डेफिनेशन, देखो ए कॉन्ट्रैक्ट to do or not to do something if some future event। अच्छा वो फ्यूचर इवेंट जुड़ा हुआ होता है मेरे कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने बोला अगर एक्सीडेंट होगा तो पैसे देंगे, तो एक्सीडेंट क्या है? जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं कोलेट्रल, सही है? तो इवेंट कोलेट्रल, कोलेट्रल को कहते हैं सपोर्टिंग। टू सच कॉन्ट्रैक्ट happens or does not happen, ठीक है? एग्जाम्पल लिखे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक एग्जांपल लिखवाता हूं, लिखो मिस्टर आवारा गेट हिज कार इंश्योरेंस फ्रॉम HDFC लाइट कंपनी। अब आवारा है तो पक्का ठुकेगा, है ना?
द कंपनी एग्रीड टू पे ₹10 lakh ऑन हैपनिंग ऑफ व्हाट एनी एक्सीडेंट दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आ गया मेरे प्यारो समझ में? चार से आप लोग हो गया भाई ये? दिस इज व्हाट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो डेफिनेशन के बाद नंबर सेकंड चार बजे आपकी क्लास अकाउंट्स की होगी, ठीक है? मैं चार तक लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कंटिंजेंट खत्म कर देते हैं पूरा। तो लिखो वैलिडिटी ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कोई कुछ नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ, किसी ने कुछ नहीं बोला। नहीं बोल सकते हो लेकिन बोलना नहीं। वैलिडिटी ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो कब वैलिड होता है, मैं आपको बताऊं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ना ये सिचुएशन बेस्ड होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपको खुद ही बताएगा, तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना। तो लिखो जनरली क्वेश्चन गिव्स सिचुएशन देन योर आंसर विल बी एज पर सिचुएशन। जनरली क्वेश्चन आपको सिचुएशन देगा और आपका आंसर सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। तो रूल्स rules regarding contingent contract, कौन से rules हैं contingent contract के, बहुत अच्छे से समझने। मैं आपको A और B करके दो rules बताऊंगा। Rule number A, contingent contract based upon happening of future uncertain event, contingent contract based upon happening of future uncertain, और एक होगा not happening पे। एक example लिख रहा हूं, situation आप लोग बताओगे। एग्जाम्पल है डी, जो कि एक डेटर है, एग्रीज टू पे सी एक क्रेडिटर ₹10,000 इफ हिज शिप कमिंग फ्रॉम दुबई कहां से आ रहा है शिप दुबई से पहुंच जाता है कहां पर ऑन और बिफोर 5th अक्टूबर। डी एक डेटर है, वो एग्री करता है कि मैं पे करूंगा सी ए क्रेडिटर को ₹10,000 अगर शिप कमिंग फ्रॉम दुबई पहुंचता है मुंबई पोर्ट ऑन और बिफोर
अगर शिप आ गया 5 तारीख या उससे पहले, ले जाइए मेरे से 10,000। डेटर ने ग्रेटर बोला शिप आ गया 10,000 ले जाइए। अच्छा डेटर ने क्यों बोला हुआ ये? डेटर का कुछ कुछ ना कुछ इनकम शिप से ही आ रहा होगा ना, तो डेटर झूठ नहीं बोलना चाहता। डेटर ने साफ बोला देख शिप मेरा 20 तारीख को अगर आ गया या 20 से पहले आ गया तो ले जाइए। डर है जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? चलो अब तीन सिचुएशन देखो। केस वन, केस वन कहता है आपका द इवेंट हैपन्स ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट। मतलब शिप आ गया 5 तारीख या उससे पहले, तो बताओ एनफोर्सेबल है या अनएनफोर्सेबल? मतलब अब क्रेडिटर धर लेगा अगर पैसे नहीं दिए तो। कोई समस्या? चलो केस नंबर 2। द इवेंट हैपन्स आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम। ये इवेंट कब हुआ? मतलब वो आया 6 अक्टूबर को मान लो, तो एनफोर्सेबल या अनएनफोर्सेबल? क्रेडिटर डेटर के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों देगा? मैंने तेरे से क्या वादा किया? 5 या उससे पहले शिप आ गया तो ले लियो पैसे, फिक्स है ना। मैं डेटर हूँ, तू क्रेडिटर है। तूने कहा ओके, कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारे बीच में। शिप आया 6 तारीख को, तो कोई रीजन ही होगा। मैंने 5 तारीख की डेट दी है, 6 को शिप आया मान ली, तो मैं तू मेरे पास आया पैसे लेने। मैं कहा यार मैं तो नहीं दे सकता। मैं कहा क्यों? मैं कहा शिप तो 6 को आया, तो तू मेरे खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकता, और जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? और आया कब? तो एनफोर्सेबल होगा नहीं ना, अनएनफोर्सेबल होगा। सही है? पर अगर 5 की डेट दी होती है 5 से पहले आया तो लिखा तो है अंग्रेजी में, 5 ये नहीं बोला था कि 5 से पहले आ गया तो नहीं होगा, 5 को आया तो। ये डिपेंड करता है कितने भी, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट में बोला वो होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलू शिप आ रहा है सिंगापुर से ठीक 5 तारीख को 4 बजे अगर आएगा तो पैसे दूंगा, और क्रेडिटर भी कह रहा है हाँ, तो क्रेडिटर पागल है। अरे भाई शिप आ रहा है कोई, ये क्लास में बच्चे थोड़ी आ रहे हैं कि 2 बजे ही आ जाएंगे सारे। शिप आ रहा है, समय लगता है, तूफान होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो एक ऐसी जैसे 5 या उससे पहले आ गया तो ये ठीक है। तो मैं बोलूं 5 तारीख को 4:20 का मुहूर्त है पार्किंग का, तो दोनों पागल है। चलो केस नंबर 3। केस 3 कह रहा है द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब डूब गया होगा वो शिप भी, किसी के प्रेम में डूब गया, टाइटैनिक बन गया हो, तो जी अब तो आ ही नहीं सकता, तो अब क्रेडिटर क्या करेगा? वो भी अब भी आंसर क्या होगा बता दो जी। यहाँ पर किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो ये तो हैपनिंग बेस पे था, ये कौन से बेस पे था? हैपनिंग। अभी नॉन हैपनिंग पे करते हैं। तो पी पॉइंट, बी पॉइंट है
कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट एग्जाम्पल डी ए डेटर agrees to pay C a creditor D a debtor agrees to pay C a creditor rupees 10,000 if his ship coming from Dubai does not reaches at कह रहा 25 अक्टूबर तक नहीं आया तो पैसे ले लियो, ठीक है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? चलो केसेस बताऊं, तीन केसेस इसके भी देखते हैं। लिखो द इवेंट हैपन्स ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, मतलब आ गया 25 तारीख से पहले शिप आ गया, क्या करें? क्या करें? अनएनफोर्सेबल। क्यों आ गया भाई? हमने तो एग्रीमेंट 25 तक नहीं आया तो क्या किया था? और तो आ गया, केस वन हो गया। केस टू, द इवेंट happens after the specified time, है जी, यानी कि 26 को आया। हाँ तो लेना पैसे भाई, तुझे कौन मना कर रहा? और पैसे नहीं दिए तो वो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन, मान लो डूब गया तो आएगा ही नहीं। The event becomes impossible. तो ठीक है ना भाई, अब तो देने ही पड़ेंगे पैसे। सही है जी। हाँ देख, मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि मेरा शिप अगर 25 तारीख तक नहीं आया, 25 तारीख तक नहीं आया तो मैं तुझे 20,000 रुपये दे दूंगा। तो तेरे और मेरे बीच का एग्रीमेंट में जो इवेंट है वो होने पर एग्रीमेंट बना या ना होने पर, इसको नॉन हैपनिंग बोलते हैं, ठीक है। आपको एक टॉपिक पता है, वेजरिंग एग्रीमेंट है, कोई जिसको पता? वेजरिंग एग्रीमेंट कईयों के लिए नया है। वैसे तो ये यूनिट नंबर 3 का सबसे लास्ट टॉपिक है जो करवाया है मैंने क्लास के अंदर। तो कुछ बच्चे हैं जो कि बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो एक काम कर रहा हूं मैं इन दोनों को समझा रहा हूं, ठीक है। वेजरिंग और कंटिजेंट तो मैंने समझा ही दिया, मेरे को असल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है।
वेजरिंग और कंटिजेंट एक जैसा लगता है लेकिन होता नहीं है। इसके लिए पहले तुम्हें वेजरिंग समझना पड़ेगा। तो जरा मैं तुम्हें समझा दूं, एक दूसरा पेज निकालते हैं। एक यूनिट नंबर 4 में हमने टॉपिक पढ़ा लिखना नहीं। यूनिट का नाम क्या है? वेजरिंग। वेजरिंग से एक शब्द निकला वेजर। वेजर मतलब वो लोग जो सट्टा लगाते हैं, है ना? जैसे कि लॉटरी वगैरह। अभी आईपीएल के मैच आएंगे थोड़े दिन में, लोग एक्टिव हो जाएंगे, है ना? कमेटी वमेटी, वो भी एक तरीके का सट्टा होती है। बहुत सारी चीजें हैं, चिट फंड वैलिड सट्टा। अभी सब सुनते रहो, पूरा टॉपिक सुनो। अब क्या होता है कि ए बैठा है और बी बैठा है। तो भारत तो एक बहुत ही अजीब देश है, अच्छा भी है, अच्छा है, लेकिन साथ में यहाँ की एक्टिविटी और गतिविधियां भी बड़ी अजीब होती है। मैंने कई बार देखा है, बारिश होने वाली है, दो बंदे बैठे, दोनों मोटी पार्टी है, पैसे वैसे बहुत है। ए ने बोला बारिश होगी, बी कह रहा नहीं होगी, तो उसी टाइम पे बोलते लगा ले, है हमारे भारत में सीधा हाथ हमारा आ गया, लगा ले। क्या लगा ले? शर्त लगा ले। तो तुम लोगों ने भी बहुत शर्त लगाई होगी, आज क्लास टीचर नहीं आएगी, आएगी लगा ले। लगाए क्या? ठीक है, बात समझ में। तो ये होता है हमारे साथ में। अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और मतलब बी कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा और ये कह रहा है इंडिया जीतेगा। बी को तो पहले वही गोली मारेंगे, ठीक है? तूने बोल कैसे दिया साले? वर्ल्ड कप का मैच है, आपको पता है इमोशन कनेक्टेड रहते हैं। वर्ल्ड कप के मैच वाले थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच, भाई जो सड़क पे गाड़ियां नहीं दिखती और दिख भी रही होगी तो 100 की स्पीड में जा रही होगी, घर पहुंचना है उसको जल्दी। पहले होता था ऐसे, आजकल तो जहां खड़े हो फोन ऑन करो, चालू देखते रहो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, है ना? पहले ऐसा होता था, मेरे को याद है बहुत अच्छे से, 2003 का वर्ल्ड कप। कह रहे सर आप तो बहुत पुराने हो। तो मैं बहुत छोटा था, 11-12 साल का था, हमारे घर पे गए। क्रिकेट को तो भारत में त्योहार की तरह मनाते, त्योहार की तरह देखते, तो पूरी फैमिली जो है सब पापा वापा मिलके, सब रिलेटिव वगैरह आ जाते थे और पाकिस्तान का मैच हो रहा होता था। तो बाहर देखे ना, वो जो गली सी थी, हमारी गली थी जहाँ हम रहते थे, इधर देखो तो कोई नहीं, इधर देखो तो कोई नहीं, रोड पे जाओ तो कोई बंदा नहीं। इतना तगड़ा क्रेज होता है इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच का, कोई भी वर्ल्ड कप मैच हो। अब कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, ए और बी बैठे हुए, बी कह रहा है कि भाई इंडिया जीतेगा, ए कह रहा है पाकिस्तान जीतेगा। अब दोनों के बीच में लग जाती क्या शर्त, क्या ये वेजरिंग नहीं है? अरे एक बात बताओ, मैंने जितने भी एग्जांपल दिए ये सारे एग्जांपल फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट वाले हैं, नहीं हैपनिंग और नॉन हैपनिंग है या नहीं है? तो ये भी तो कंटिंजेंट हो गए। क्या एक डिफरेंस है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोलेट्रल यानी कि जो सपोर्टिंग इवेंट होता है, जैसे मैंने बोला कार का एक्सीडेंट होगा तो डैमेज दूंगा, तो कार का एक्सीडेंट मतलब कोलेट्रल इवेंट होता है और उन कोलेट्रल इवेंट पे डिपेंड होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ कोलेट्रल इवेंट कुछ नहीं होता, पार्टी की हार या जीत होती है, एक का लॉस एक का प्रॉफिट। पार्टी को कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान जीते आ रहे, उसको अपने पैसे से मतलब है, उसके पैसे आ रहे हैं इसीलिए पाकिस्तान जीत जाए, पूरे देश के इमोशन भी उसको नहीं पड़ी, आ रहा है कुछ समझ? लॉटरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। लॉटरी लगती है, कुछ 100 नंबर होते हैं, 100 में से 99 उसके होते हैं ओनर के और एक, देखो कितने हारने की प्रोबेबिलिटी, देखो कितनी डेंजर है, और फिर भी लोग खूब खेलते हैं। ये भारत में भी, ये दिल्ली में भी होती है, ऑनलाइन लॉटरी होती है, गाजियाबाद फरीदाबाद कोई नंबर होते हैं उसमें, किसी को पता होगा, जिसको पता होगा बताएगा नहीं, सर नाप लेंगे इसको कैसे पता। तो लॉटरी का ये गेम होता है जिसमें नंबरिंग होती है, एक नंबर खुला मान लो 99, तो जिसने 99 नंबर की लॉटरी ली थी वो जीत गया,
ओए, और एक से लेकर 100 वाले के बीच में बाकी लोग क्या हो गए? हार गए। तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया। आगे समझ में? सट्टा लगाना, शर्त लगाना, ये सब वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं। तो सर वेजरिंग और कंटिजेंट में फर्क क्या होता है? वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं जिनको कानून ने इजाजत नहीं दे रखी है सट्टा खेलने की इजाजत। इलीगल है, उन्होंने बोला आप इलीगल काम है ये नहीं कर सकते। लॉटरी इलीगल है, लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो कई स्टेट ने लॉटरी को बैन कर रखा है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इलीगल है। पश्चिम बंगाल में लीगल है। ममता बनर्जी उसको पैसा चाहिए। इना चोलबे, इना चोलबे बोल के सब चोलबे। कलकत्ता में जाके देखना सब चलता है वहां, दारू दूरू सब खुलेआम होता, कोई टेंशन नहीं। तुम जाओ कलकत्ता, तुम्हें लगेगा बांग्लादेश में आ गया। बंगाल में जाओ, बहुत बुरी हालत है। और आप जानते हो बंगाल एक ऐसा स्टेट था या सबसे पहले भारत में सब कुछ बंगाल में ही आया। बिजली भारत में सबसे पहले बंगाल में आई थी 1879 में, क्योंकि सारे ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आएगी? बंगाल। छोड़ो हमें क्यों कर, क्या करना है वहां का बंगाल, हमें दिल्ली का करना है, टॉपिक का करना है। तो आगे समझ में? तो वेजरिंग और कंटिजेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, हम वो करने वाले हैं। हेडिंग बनाओ, फोर्थ पॉइंट। तीन पॉइंट कर लिए ना, फोर्थ करो। लिखो डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो एक साइड में लिख लो वेजरिंग एग्रीमेंट, और एक साइड में लिख लो भाई बातें क्यों हो रही है, कोई दिक्कत है किसी को? चलो, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है, वेजरिंग क्या है और कंटिंजेंट वैलिड है। डन। दूसरे में लिखो वेजरिंग एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब अगर हारा तो तू देगा, जीता तो मैं दूंगा, ऐसे ही होता है ना। तो दोनों में रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, कंटिंजेंट में नहीं होता। मतलब होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होगा तो भी चलेगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंटेन
अच्छा बताओ, वेजरिंग में पार्टी को किसी सब्जेक्ट मैटर पे कोई इंटरेस्ट होता है? उसको कोई भाड़ भैया सब्जेक्ट मैटर, इंडिया जीते पाकिस्तान जीते हमें क्या, हमें तो अपने पैसे चाहिए। लॉटरी में भाड़ में जाए नंबर, मुझे मेरा नंबर चाहिए है ना। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर पे कंसर्न होता है। तो पार्टीज, तीसरे में लिखो पार्टीज, हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इधर लिखो पार्टीज मे हैव इंटरेस्ट, इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ फ्यूचर इवेंट इज सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर, और यहां फ्यूचर इवेंट कोलैटरल होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, देखो भाई हर वेजरिंग एग्रीमेंट कंटिंजेंट होता है, होता है नहीं होता, क्योंकि वेजरिंग में भी क्या होता है, अनसर्टेन इवेंट, लेकिन कंटिंजेंट वेजरिंग नहीं होता। बस देखो एवरी वेजरिंग एग्रीमेंट इज ऑफ हमारे कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ। ये अभी नोट से हुआ है, अगली क्लास में हम इसको कहां से करेंगे, बुक से करेंगे, और फिर हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नोट कर लो, नोट कर लीजिए। विवेक बोल रहा है, आने पड़े यार, काम कर रहा है।